अमेठी। राहुल गांधी के पक्ष में उतरी अमेठी की महिलाएं। महिलाओं ने अपने घर के सामने पोस्टर लगाए, ये मेरा घर है जो कि राहुल गांधी का घर है। महिलाओं ने कहा सरकार ने गलत किया है, अमेठी के लाखों घर राहुल गांधी के घर हैं। फिरोजाबाद, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का बयान, सरकार ने गेहूं खरीदने की तैयारी नहीं की, सरकार से किसानों को कोई मदद नहीं, बीजेपी से बड़ा कोई भ्रष्टाचारी नहीं है, ये किसानों का दल नहीं है, बीजेपी उद्योगपति कारोबारियों का दल है, अखिलेश यादव। क्रिकेट प्रेमियों के लिए बुरी खबर, सलीम दुरानी नहीं रहे, भारत के सर्वकालीन महान क्रिकेटरों में से एक सलीम दुरानी का आज निधन हो गया। बीते 11 दिसंबर को उन्होंने अपना 89वां जन्मदिन मनाया था। एक दशक से ज्यादा समय तक भारतीय टीम के सदस्य रहते हुए सलीम दुरानी साहब ने 29 टेस्ट मैच भी खेले। लखनऊ, बीबीडी कैंपस की कैंटीन में एफएसडीए का छापा, कैंपस की कैंटीन में चाय का नमूना किया इकट्ठा, एफएसडीए टीम ने कई नमूनों को किया संग्रहित, कॉलेज के कई बच्चे नाश्ता करने से हुए थे बीमार। गाजियाबाद में घर का गेट खुलवाकर बदमाशों ने बिजली ठेकेदार नवीन भारद्वाज पर गोलियां बरसाई, अस्पताल में मौत हुई। लखनऊ, एसीएस फाइनेंस डॉक्टर प्रशांत द्विवेदी कोविड 19 पॉजिटिव, डॉक्टरों ने एसीएस वित्त को घर में आराम करने की दी सलाह। देहरादून, मंसूरी में सड़क हादसा, उत्तराखंड रोडवेज की बस खाई में गिरी, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। बिहार, जीआरपी टीम ने यात्रियों से छीने 1 करोड़ रुपए, सीट के नीचे से खींच ले गए बैग, 4 सिपाही समेत 5 गिरफ्तार। सोनभद्र, ओबरा पुलिस के मादक पदार्थों के खिलाफ अभियान, पुलिस ने अवैध तरीके से शराब बनाते 7 लोगों को किया गिरफ्तार, उनके पास से 107 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद की गई, 3 भट्टी भी नष्ट की गई और कई कुंतल लहन नष्ट किया गया। सोनभद्र दुधी, अमवार चौकी के अंतर्गत शनिवार की देर रात्रि एक नशेड़ी पति ने अपनी ही पत्नी की डंडे से पीट कर निशंस हत्या कर दी, सुबह बेटे का किया था रोका, पत्नी की हत्या करके सो गया था पति।